आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी में एमएलसी चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और 12 अप्रैल को नतीजे भी आ जाएंगे। विधान परिषद विधानमंडल का अंग है, सिर्फ देश में 6 राज्यों में विधान परिषद की सीटें हैं। तो चलिए आपको विधान परिषद के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यूपी में एमएलसी चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और जल्द ही नतीजे भी जारी कर दिए जाएंगे। विधान परिषद विधानमंडल का अंग है, सिर्फ देश के 6 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विधान परिषद के चुनाव होते हैं। यूपी विधान परिषद में 100 सीटें हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यूपी में 403 विधानसभा सदस्य हैं और यूपी विधान परिषद में 134 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना जरूरी है। एमएलसी का दर्जा विधायक से ही समकक्ष होता है। आमतौर पर ये चुनाव सत्ता का ही माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में 2004 में हुए चुनाव में सपा 36 में 24 सीटों पर काबिज हुई थी और मायावती की पार्टी बसपा के पास एक भी सीट नहीं थी। 2010 में जब इन सीटों पर चुनाव हुए तो बसपा सत्ता में थी, उसने 36 में 34 सीटें जीतकर लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था। इसके बाद फरवरी मार्च 2016 में अखिलेश यादव के सीएम रहते चुनाव हुए तो सपा 31 सीटें जीत गई। इसमें 8 सीटों पर निर्विरोध जीत भी शामिल थी, जबकि पहले सपा केवल एक सीट जीती थी। अमूमन यह चुनाव विधानसभा के पहले या बाद में होते रहते हैं और स्थानीय निकाय की सीटों पर सांसद, विधायक, नगरीय निकायों, कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के सदस्य, ग्राम प्रधान वोटर होते हैं। विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो ये 6 साल का होता है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए, जिसमें एक तिहाई सदस्य को विधायक द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा तिहाई सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायतों के सदस्य द्वारा चुना जाता है। यूपी में विधान परिषद के 100 में से 38 सदस्यों को विधायक चुनते हैं, वहीं 36 सदस्यों को स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के तहत जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम या नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि चुनते हैं। 10 मनोनीत सदस्यों को राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा 8-8 सीटें शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत आती हैं। स्थानीय निकाय एमएलसी की 36 सीटें बीते महीने मार्च में खाली हुई थी, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 36 सीटों में से 30 से ज्यादा सीटें भाजपा जीत जाएगी। अगर नतीजे के अनुमान के हिसाब से रहे तो किसी भी पार्टी को परिषद में मिलने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा बहुमत होगा। रिपोर्ट प्राइम टीवी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।